गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं मैथमेटिक्स का वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज होता क्या है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसके सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज सो, है ना, यही होता है ना। जैसे लिखा है 5%, इसका मतलब क्या होगा? 5/100। तो इस तरह से अगर जैसे कभी पूछा जाए कि 1/20 को परसेंटेज में बदलिए तो उसको कैसे बदलेंगे? इसमें 100 का गुणा करो, 1/20 यानी क्या आ जाएगा? 5%। इस तरह से, है ना। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो जैसे लिखा है 1, तो 1 अपने आप में क्या होगा? 100% होगा कि नहीं होगा, है ना। आगे देखते हैं, जैसे लिखा है 1/2, इसको क्या बोलेंगे? 50% बोलेंगे। 1/3, इसको क्या बोलेंगे? 33 सही 1/3%। 1/4, ये क्या होगा? 25%। 1/5, ये क्या होगा? 20%। ये सब चीजें आपको आना चाहिए, तभी आप बना पाओगे क्वेश्चन को, क्योंकि परसेंटेज में इन्हीं सब इनके आधार पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। 1/7 क्या होता है? 14 सही 2/7%। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1/8, ये क्या होता है? 12 सही 1/2%। 1/9, ये क्या होता है? 11 सही 1/9%। 1/10, ये क्या होता है? 10%। ठीक है, आगे देखते हैं। 1/11 बराबर क्या होगा? 9 सही 1/11%। 1/12 देखते हैं क्या होता है? 8 सही 1/3%। थोड़े से और हैं, जैसे लिखा 1/2/5, इसको क्या बोलेंगे? जैसे 1/5 था तो 20% था, तो 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। 3/5 60%। 4/5 80%। एक और लिख लीजिए 3/4, इसको क्या बोलते हैं? 75%। इसके आधार पे अब मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज को सॉल्व कैसे करना है। आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ये सब आपको कॉपी पे नोट करना है और बार बार रिवाइज करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो ये सब रट जाना चाहिए। अगर वो पूछे 25% तो आप 25% नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 1/4। सिंपलीफिकेशन में इनका बहुत ज्यादा यूज है। कहीं कहीं लिखा रहता है 11 सही 1/9%। एक चीज वो बता देता हूँ, ये देखिए जैसे लिखा है 16 सही 2/3%, तो कहीं कहीं ऐसा भी लिख के आ सकता है 16.66%। इस तरह से इधर 14.28%, इस तरह से यहाँ पर 12.5%, यहाँ ऐसे, यहाँ क्या लिखा रहेगा? 11.11%, 10% है ही। यहाँ हो सकता है 9.09%, ठीक है। यहाँ क्या हो सकता है? 8.33%। बाकी तो सब लिखे ही है, तो इनको आपको नोट करना है। अब देखते हैं अपन परसेंटेज निकालना, इनको लिख लेना। देखिए अगर लिखा हो 20 का 5%, क्वेश्चन आ गया 20 का 5% बराबर क्या, तो क्या करोगे? देखो 20 का मतलब क्या होता है, मैंने बोर्ड मास में बताया था बोर्ड, और 5 और परसेंट क्या होगा? 100। क्लियर है? तो एक काट, तो 5 से 100 काटोगे तो क्या आएगा? 20, और 20 से 20 तो 5 का 20% क्या आ जाएगा? 1। इस तरह से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो एक और, जैसे लिखा 25 का 40% का 15%। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। 25 × 40 परसेंटेज का क्या हो जाएगा? 100। 15 का क्या होगा? परसेंटेज है, 100। बस सॉल्व कर लो इसको, काटोगे
ये क्या होगा, 5 15, 5 से काट दो 5 3 15, ये हो जाएगा 20, 5 से इसको काटो 5 बार जाएगा, फिर 5 से इसको काटो 4 बार जाएगा, फिर 2 से इसको काटो 2 बार जाएगा, क्या आ गया आंसर, आंसर लिखो डायरेक्ट 3/2। और अगर आप लोग थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे तो क्या करोगे, इसको इसको सीधा कर लोगे, देखो 25 मल्टीप्लाई 40% को अपन लिखोगे सीधे 2/5, 15% को लिखोगे 3/20, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो बनेंगे, 15% यानी 15/100 है ना, सीधे सॉल्व करो 5 से काटो 3 इधर 20, फिर धीरे धीरे आप सीधे लिखोगे 15% को 3/20, 5 से इसको काट दो 5 आ जाएगा, 5 से इसको काट दो 4 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो, तो ये आ गया आंसर। 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, देखिए जैसे लिखा है किसी संख्या का 12% 72 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें क्या निकालना है अपन को, वह संख्या निकालना है। अब देखो जैसा जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा सॉल्व कर ले, किसी संख्या का माना की संख्या क्या है एक्स, एक्स का 12%, एक्स का 12% कितना है 72, तो उसके बराबर कर दो 72, बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा एक्स का की जगह गुणा 12/100 बराबर क्या होगा 72, काट दो इसको, तो एक्स बराबर पहले इसको ऐसे ले जाओ 72 गुणे 100 बटे 12, देखो ऐसे बड़ा होता है ना कैंची बड़ा नीचे वाली संख्या ऊपर है ना, काट दो इसको 12 से काटोगे तो 6 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 6000, तो वह संख्या क्या होगी 6000, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर लिखा हो क्वेश्चन देखिए, एक संख्या के 3/4 का 25% 25 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए अब क्या लिखा है एक संख्या के, तो माना कि वह संख्या क्या होगी, एक संख्या एक्स होगी, एक्स के यानी गुणा 3/4 गुणा 25% यानी 25/100, धीरे धीरे आप 25% को क्या लिखोगे 1/4, ठीक है, बराबर क्या होगा 25, सॉल्व कर लो 25 से 25 कट जाएगा और बस सॉल्व कर लो आगे, 4 का 100 में गुणा होगा 400/3, इसको सही बटे में ले जाओ तो कितना आ जाएगा 13 33 133, सही 1/3, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या का 3/5 एक दूसरी संख्या के 80% के बराबर है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात, दो संख्याएं दी हैं उनका अनुपात निकालना है, देखो क्या करना है अपन को, एक संख्या तो माना कि पहली संख्या क्या है एक्स का कितना है 3/5, तो इसका 3/5 जो है उसमें क्या लिखा है एक दूसरी संख्या है उसके 80% के बराबर है, तो बराबर दूसरी संख्या माना कि वाई है, वाई का क्या है 80%, तो 80% यानी 100, बस इसको सॉल्व कर लो, तो ये 20 से काट दो 20 चौक 80 और 20 5 100, तो 3/5 एक्स बराबर क्या जाएगा 4/5 वाई, अपन को क्या निकालना है एक्स बटे वाई, तो कैसे निकालोगे देखो ये जो इसको ऐसे लिख दो 3x/5 बराबर 4y/5, वाई को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 3x/5y बराबर क्या होगा 4/5, अब इनका कैची गुणा कर दो, अपन को एक्स बटे वाई निकालना है, एक्स बटे वाई बराबर क्या जाएगा 4/5, तो अपनी जगह रहेगा, ये जो 5 है वो ऊपर आ जाएंगे है ना और 3 है वो नीचे आ जाएंगे, इनको कैंसिल कर दो, एक्स बटे वाई का मान कितना आ गया 4/3, ये होगा इसका सोल्यूशन। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझते हैं, देखिए कोई भी संख्या है वो अपने आप में 100% रहती है, अगर आप उसमें थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो वह बढ़ जाएगी या फिर कम कर दोगे तो कम हो जाएगी, जैसे यदि जैसे ये लिखा है 100 तो ये अपने आप में एक 100% के बराबर है कि नहीं, अगर वो बोले इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो देखो 10% की वृद्धि कैसे करेंगे, 100 है इसमें 10% की वृद्धि करेंगे जब तो इसका क्या जाएगा 110% है ना, 10% की वृद्धि यानी इसमें 10% जुड़ जाएगा, बस बाकी काट दो इसको, तो जब इसमें देखो
110 हो जाएगा, 10% बढ़ाएंगे तो 10, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 100 का 10%। अब ये बढ़ाना है, काट दो तो कितना आ जाएगा 10, 100 का 10% 10 होता है, इसमें 10 जोड़ दीजिए तो ये क्या जाएगा 110। इस तरह से है ना, किसी भी संख्या का जैसे लिखा है 500 लिखा है, 500 में 120% मतलब 500 में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो अगली संख्या क्या बनेगी, तो देखो 500 में 20%, 500 अपने आप में 100% होता है, 20% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा। इनको कैंसिल कर दो, 12 × 5 = 60, तो 500 का जो 120% होगा वो कितना होगा 600। ठीक है, इतना इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे लिखा है एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि यह जनसंख्या 10% बढ़ जाती है तो नई जनसंख्या क्या होगी, तो देखो जो 10,000 होगा अपने आप में 100% होगा, अब इसको क्या करना है 10% बढ़ाना है तो उसको 110% बनाना है, तो कैसे होगा बोले 110 बटे क्या होगा 100, ये जीरो से जीरो काट दो, बाकी जो आएगी वो तुम्हारी 10% बढ़कर आएगी, तो नई जनसंख्या क्या होगी 110%, यानी 10,000 में अब 10% और जुड़ गए तो ये क्या हो जाएगी 11,000। ठीक है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से जनसंख्या कम भी हो सकती है, देखते हैं। जैसे अगर लिखा है किसी शहर की जनसंख्या 1,000 है, माना कि यदि इसकी जनसंख्या 10% की कमी हो जाए इसकी जनसंख्या में, तो नई जनसंख्या क्या होगी, तो फिर 10% जब कमी होगी तो कितनी बचेगी 90%, है ना, तो कमी भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, तो नई जनसंख्या क्या हो जाएगी 900। इस तरह से अगर वो बोले कि किसी शहर की जनसंख्या 1,000 है, अगर इसमें 25% की कमी होती है तो फिर नई जनसंख्या क्या होगी, तो क्या बचेगा, फिर जब 25% की कमी हो जाएगी 100 में से घटाते जाइए, जितनी भी कमी होगी अगर बढ़ेगी तो 100 में जोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 750। इस तरह से कमी होगी तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या 3,000 है, पहले वर्ष यह जनसंख्या 20% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष यह जनसंख्या 25% कम हो जाती है, तो 2 वर्ष के अंत में कितनी जनसंख्या रहेगी, देखते हैं। सबसे पहले जनसंख्या कितनी है 3,000, ठीक है, अब पहले वर्ष में कितनी बढ़ी 20%, तो कितना आ जाएगा 120%, फिर कितनी कम हो गई 25%, तो कितना बचेगा, जितनी बढ़ेगी 100 में उतना जोड़ देंगे, जितनी कम होगी 100 में से उतना घटा देंगे, सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो कैंसिल, 3 × 12 का इसमें गुणा करोगे 12 × 5 = 60, 12 × 84 = 90, ये आ जाएगी 9 × 3 = 27, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो परसेंटेज के हमने ये क्वेश्चन देखे, आगे अगले वीडियो 2 से 3% के और पार्ट होंगे जिसमें हम और बेसिक से और हाई लेवल पर जाएंगे और देखेंगे परसेंटेज को सॉल्व करना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 20 से 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कितने ही बड़े से बड़े क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।